पिछले दिन वीडियो वायरल होने के बाद काफ़ी सारा हंगामा होने के बाद उस व्यक्ति ने मांगी आखिरकार माफ़ी। स्वागत है आपका UTV न्यूज चैनल में। मैं आपके साथ मोहम्मद यासीन नेकोरी। पिछले दिन आप सबको पता ही होगा सोशल मीडिया पर जो है एक वीडियो काफी वायरल हुआ था। वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि एक शख्स एक होटल में खाना खाने के बाद होटल में लगी एक फ्रेम जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। इसी के चलते ये शख्स ने बिना पूछे बिना जाने इसने ये समझ बैठा है कि ये पाकिस्तान बोर्ड है। इसने होटल में लगे फ्रेम को उर्दू हंगामा करके हुआ है निकालने की मांग करते हुए उस होटल के मालिक से उसे लगे फ्रेम को निकाला गया। सब कुछ जो है पुलिस की मौजूदगी में रहने के बाद भी हो रहा था। हम उस पुलिस का भी शुक्रिया अदा करते हैं जैसा उस पुलिस ने उसे व्यक्ति को गलत साबित करते हुए उसको हिरासत में लिया। ऐसी ही पुलिस की हमें इस देश में ज़रूरत है। अभी उसी व्यक्ति का दूसरा वीडियो हम आपको बता रहे हैं जिसमें वो व्यक्ति सभी मुस्लिम लोगों से माफ़ी मांग रहा है। मैं आपको बताता चलूँ उस व्यक्ति का नाम रमेश है। आइए देखते हैं रमेश ने क्या कहा। नमस्कार, नान रमेश गौड़ अंत मातनाडोदु। मोन्ने नडेदंत घटने बग्गे मातनाड्ता इद्देने। अल्लि नानु होदाग ननगे कंडिद्दु अल्लि ओंदु उर्दू बोर्ड, अदु देवर नामफलकव अदु दैव नाम देव स्मरणे अंत नमगे गोत्तिरलिल्ल। हागागि अदु ओंदु उर्दू नामफलक अंतने नानु तेगेदिद्देने होरतु यावदे धार्मिक भावनेगळिगे धक्के बरुवंत विचारदल्लि नानु माडिल्ल। ಆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಆದರೆ ಕನ್ನಡದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ರಾಜಿ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ। ನೀವು ಸಹ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಬಳಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ನಾನು ಜಾತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ। ನನಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ದೇವರ ನಾಮಫಲಕ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ। ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ನಮಸ್ಕಾರ। ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಲಿಯೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಕೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೀಜಿಯೇ, ಸಾಥ್ ಮೇ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೋ ಭೀ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೀಜಿಯೇ। ಸಾಥ್ ಹೀ ಸಾಥ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಔರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕರ್ನಾ ನಾ ಭೂಲಿಯೇ।